चैनल पे विच इज प्रिया लीगल। तो जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पेपर टू के 5 यूनिट के बारे में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग 5 यूनिट के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 से। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि उनको करंट जजमेंट्स पे भी वीडियो चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं वो वीडियोस अपलोड करूं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर और यूट्यूब पेज पर भी, तो उसकी लिंक मैं आपको बारे में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। यूनिट 6 से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कमर्शियल लॉ। तो कमर्शियल लॉ में ना आपको और सब लॉज भी देखने मिलेंगे, लाइक सब एक्ट्स, लाइक सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड कंपनी लॉ। तो आपको टेंशन नहीं लेना, दिखने में अगर बहुत सारा भी दिख रहा होगा तो हमको पढ़ना लिमिटेड ही है इसमें। इसमें हमें कंप्लीट जो पढ़ना है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद कंपनी लॉ से हमें सिर्फ एक टर्म पढ़नी है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था और जनरली पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, तो हमें ये पढ़ना है। उसके बाद सेल ऑफ गुड एक्ट इजी है वैसे पढ़ने में, पर इसमें से भी हमें सिर्फ सिलेक्टिव सेक्शन ही पढ़ के जाना है और इसका मतलब प्रॉपरली अरेंज्ड है सेक्शन, तो याद करने में भी इजी है। उसके बाद हमें पढ़ना है पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी, इससे भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो ये भी पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर, मेन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें आपको इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 26 ऑलमोस्ट मगअप करना है अच्छे से, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी सेक्शन से भी पूछे जाते हैं पर इससे आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने मिलेंगे एग्जाम में, तो इससे आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपको पढ़ के जाना है व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है एंड वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स हम किसे कहते हैं, तो ये चीजें भी पढ़ के जानिए, क्योंकि इसेंशियल एलिमेंट्स एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों टॉपिक को मिला के 2020 के एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हमें इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और टोटल वेटेज था कमर्शियल लॉ को दैट इज 11 क्वेश्चंस इन 2020 एग्जाम, तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा वेटेज है, तो हमको ये पढ़ के जाना है। देन हम देखते हैं यूनिट 7 विच इज फैमिली लॉ। ये थोड़ा सा वास्ट है फैमिली लॉ, पर उतना ही ये इजी भी है कंसेप्चुअली, क्योंकि आपको जैसे पता है आपको इसमें दोनों कवर करने हैं, मुस्लिम लॉ प्लस हिंदू लॉ, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है पढ़ने के लिए, पर उतना ही सिंपल है वो। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सोर्सेस पढ़ना है हिंदू लॉ के, स्कूल्स पढ़नी है हिंदू लॉ की, उसके बाद मैरिज के लिए क्या एसेंशियल कंडीशंस होती है हिंदू और मुस्लिम लॉ दोनों में, उसके बाद डिसोल्यूशन, सोर्सेस एंड स्कूल्स आपको मुस्लिम लॉ के भी पढ़ने हैं, राइट? तो आपको मैरिज के लिए क्या एसेंशियल कंडीशंस है, अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करना चाहते हैं तो क्या कंडीशंस है, मैट्रिमोनियल रेमेडीज क्या मिलती है, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। उसके बाद है मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस किसको किसको मिलता है, कौन लायबल होता है देने के लिए, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद डावर क्या होता है, स्त्रीधन क्या होता है, इसमें एक दो मुस्लिम कॉन्सेप्ट्स भी है वो भी आपको पढ़ना है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद एडॉप्शन, गार्डियनशिप एंड एक्नॉलेजमेंट, कौन एडॉप्ट कर सकता है, कौन एडॉप्शन में दे सकता है, उसकी क्या इसेंशियल एलिमेंट्स है, ये सारी चीजें पढ़ के जाना है। प्लस सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस से भी क्वेश्चन आता है, तो इस पे भी ध्यान देना है। उसके बाद विल क्या है, गिफ्ट क्या है, ये हम LLB में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हम जब फैमिली लॉ पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। उसके बाद है UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको सबको पता है क्या है, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ चुके हैं, तो इसका आपको एक क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो टोटल वेटेज था फैमिली लॉ का 2020 में 10 क्वेश्चंस, और इसमें से 3 क्वेश्चन सोर्सेस एंड स्कूल्स पे थे और 4 क्वेश्चन मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे थे, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आते हैं यूनिट 8 पे, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट, बिकॉज मेरा LLM IPR में, तो मैं काफी अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ IPR से एनीवेज। तो IPR एंड IT लॉ, आपको पता है IT लॉ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज के इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, उतने ही हमें उसके डिसएडवांटेज भी देखने मिलते हैं, तो इसीलिए IT लॉ सिलेबस में इंक्लूडेड है। IT लॉ में हमें कुछ सेक्शंस पढ़ने हैं जिसमें स्पेसिफिकली जो रिलेटेड है पनिशमेंट रेमेडीज से, तो हमें वो पढ़ के जाना एग्जाम में। उसके बाद है IPR, तो IPR को हम क्या कहेंगे, IPR इज अ ट्री,
IPR is one kind of tree जिसके हम five branches consider करेंगे. वैसे branches बहुत ज़्यादा है, पर हमारे syllabus के हिसाब से हमें पांच branches important है जो याद रखनी है. That is copyright, trademark, patent, geographical indication and designs. तो ये हमें याद रखने हैं, इसके sections याद रखने हैं, क्योंकि IPR में आपको ज़्यादा से ज़्यादा question section based पूछे जाते हैं. तो सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, इसीलिए आपको सेक्शंस याद रखने हैं, जो मैं आपको याद करा दूंगी, बिकॉज उसका सीक्वेंस बहुत अच्छा है तो याद करने में भी इजी है. उसके बाद आपको कुछ थियोरीज दी हैं आईपीआर में, वो याद रखना है. और आपको इसमें क्या याद रखना है, हाँ, आपको इसमें एक क्वेश्चन देखने मिलता है बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज से. तो आपको बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है, ये कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे पढ़ना है. ठीक है, 2020 में टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से. एंड सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से यूनिट 8 लिख दिया है, ये यूनिट 9 है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यूनिट 9. यहाँ पे मैंने यूनिट 9 कर दिया, जो कि यूनिट 8 है. आप सिलेबस में से एक बार चेक कर लीजिएगा, सिर्फ यूनिट का इश्यू है, बाकी सारी चीजें बराबर है. ठीक है, तो हम अभी आए हैं एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स लॉ पे. ठीक है, तो एनवायरमेंटल लॉ में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे मैंने आपको कहा था कि पेपर वन में भी एक यूनिट है एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड, तो वहां पे आपको सारी कॉन्फ्रेंसेस सबमिट दी है, वही आपको यहाँ पे भी पढ़नी है, क्योंकि लास्ट एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए थे यूएन कॉन्फ्रेंसेस से. ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है. उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है 2021 का, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके आपको 4 नीचे ऑप्शंस दिए थे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था. और उसके पहले वाले एग्जाम में अगर आप देखोगे तो आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखने मिलते हैं, मतलब पर्टिकुलर डेफिनेशन कौन से पर्टिकुलर सेक्शन से है ये आपको आंसर करना पड़ता है. तो इसमें डेफिनेशन के सेक्शंस आपको याद करना है. उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आता है. एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से आपको क्वेश्चन देखने मिलता है. उसके बाद कंट्रोल ऑफ हजार्डस वेस्ट इन इंडिया, इस पे कुछ कन्वेंशन है लाइक बेसल कन्वेंशन वगैरह, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एनवायरमेंटल लॉ. तो उससे 4 क्वेश्चन आए थे लास्ट एग्जाम में, तो वो भी आपको पढ़ना है. ठीक है, उसके बाद इसी में एक सब टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया. ठीक है, हार्डली इसमें से एक या दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो 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 इम्पोर्टेंट है उतनी चीजें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाना है इसमें. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यूनिट 10 पे. ठीक है, यूनिट 10 इज कॉर्पोरेट पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. ये थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज बेस्ड भी है और आपको थोड़ा पढ़ के भी जाना है इसमें. इसमें आपको लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है, कौन से कंट्री में सबसे पहले लोकायुक्त लोकपाल आया है, इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट एग्जाम में. उसके बाद रूल ऑफ लॉ क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स पे आपको पता है अच्छी खासी डिबेट आपको देखने मिलती है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेके बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने मिलेंगी, वो आपको याद करना है. उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, दैट इज विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया वी फॉलो, मतलब यूनिटरी है या फेडरल है, इसका आप मुझे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में. उसके बाद मॉडल ऑफ फेडरलिज्म क्या है वो हमें देखना है. तो ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ के जानी है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं. और इसको ये यूनिट को थोड़ा कम वेटेज है, दैट इज 5 क्वेश्चंस इन 2020 एग्जाम. तो हमें थोड़ा ऊपर ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ के जानी है, ताकि कैसे भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में हमें उसे आंसर करते आना चाहिए. जैसे ये हो गया सिलेबस के बारे में. आपको पता होगा अगर आपने 2021 का यूजीसी नेट का अगर पेपर देखा होगा, तो काफी लेंथी पेपर आया था और बहुत तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम थे, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, बहुत लेंथी क्वेश्चंस थे और बहुत घुमा फिरा के आपको पूछा गए थे. तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है यूजीसी नेट एंड एमएच सेट के लिए, आप रट्टा मार के एग्जाम में नहीं जा सकते, आपकी कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. जैसे आप 2021 का पेपर देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो काफी कम है, तो इसीलिए अगर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपकी कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेबस डिस्कशन, बोथ पेपर वन एंड पेपर टू वी आर डन विथ इट. अब हम आगे से स्टार्ट करेंगे डिटेल यूनिट पढ़ना, जो कि होगा पेपर वन का टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट. मैं लूंगी सबसे फर्स्ट, उसमें मैं आपको
वो यूनिट का जो भी क्विक रिवीजन टाइप हम एक करेंगे, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी प्रीवियस ईयर भी एंड प्रैक्टिसिंग भी. सो टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल.